नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपी नई न्यूज। पवन खेरा और कांग्रेस की तमाम टीम अधिवेशन में जाने वाली थी और कल जो ड्रामा हुआ हमारा, आपने देखा कि कैसे उनको गिरफ्तार किया गया, फिर हिरासत में लिया गया, फिर उसके बाद जमानत भी मिली, इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हुआ, किस तरीके से धरना हुआ वो आपने देखा। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस क्यों रोकना चाहती है, सवाल ये है कि पवन खेरा को अरेस्ट क्यों की, सवाल ये है कि इसके पीछे मोदी सरकार को फ़ायदा क्या, वो मैं बताऊं उससे बेहतर है कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बता रहे हैं, जरा सुनिए। प्लेनरी सेशन में एंट्री कर रहा था तो मेरे बहुत से कार्यकर्ताओं को, स्पोक्स पर्सन को और भी नेताओं को बीजेपी की सरकार उनको हरासमेंट कर रही है और खास करके हमारे स्पोक्स पर्सन हमारे पवन खेरा जी को अरेस्ट करके, वो भी आसाम की पुलिस आकर उनको अरेस्ट करे, लेकिन कानून में वैसा कोई प्राविधान नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और एक तमाचा उनके ऊपर गिरा। ऐसे इंसिडेंट जो फजूल जनता को भड़काने का काम ये जो बीजेपी सरकार कर रही है, इसका मैं खंडन करता हूँ और ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी में नहीं होना चाहिए। हम जब पार्लियामेंट के अंदर बोलना चाहते हैं तो भी ये लोग हमको बोलने नहीं देते, जब हम अपनी बात बाहर रखना चाहते हैं तो उस वक्त भी बोलना चाहते हैं, हमको बोलने नहीं देते। इस देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आज़ादी को ख़त्म करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं और इनके हाथ में डेमोक्रेसी और संविधान सुरक्षित नहीं है। इसीलिए और एक बार ऐसे लोगों के कार्रवाई के खिलाफ मैं कंडम करता हूँ। और दूसरी चीज़, जब हमारा यहाँ पर प्लेनरी सेशन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, हमारे नेताओं के ऊपर ईडी की छापे, इनकम टैक्स के छापे, ऐसा कभी हुआ है? वो लोग भी कहीं अधिवेशन किए हैं, लेकिन कभी आपने सुना है उनको किसी ने धक्का लगाया, किसी ने उनको पूछा? लेकिन यहाँ हमारे इस प्लेनरी सेशन को आपने सुना कि किस तरीके से अधिवेशन को रोकने के लिए पालान बनाई गई, साजिशें रची गई, भारत जोड़ो यात्रा को भी रोका गया और खड़गे जी इसीलिए मोदी सरकार को साफ शब्दों में चुनौती दे रहे हैं। पवन खेरा टाइगर है, टाइगर जिंदा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पवन खेरा हमेशा से, चाहे वो अडानी मामले को लेकर हो, चाइना मामले को लेकर हो, मोदी सरकार के को उधरते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं और अब जब उन पर हमला हुआ तो कांग्रेस उनको बचाने में लगे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि अधिवेशन को रोकने का दरअसल कैसे प्लान था। दर्शकों, आप देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला किया है, साफ शब्दों में बताया है कि इसका जवाब मोदी सरकार देगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे एसपी नाइन न्यूज़। नमस्कार।